हाई गाई इसके से आप लोग दिस प्रीति फॉर माई हॉट चॉकलेट होली वेल आज मैं आप लोग के लिए वेडिंग गैस मेकअप लुक लेके आई हूँ अगर विंटर सीजन में आपको कोई वेडिंग अटेंड करना है आप किस टाइप का मेकअप कर सकते हो और अपने फाउंडेशन और मेकअप को कैसे लॉन्ग लास्टिंग रख सकते हो तो चलिए लेट गेट स्टार्टेड और सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे विद स्किन केयर मैंने अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लिया है उसके बाद मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ अपना कलबार का फेस रिफ्रेशिंग मिस्ट दिस इज रियली हाइड्रेटिंग ऑन स्किन इसका स्मेल इतना अच्छा है ना गाइज आपको इस मिस्ट को अपने फेस में पूरा अच्छे से स्प्रे कर लेना है एंड लेट इट सिट गाइज दिस वॉक्स रियली ग्रेट ये मुझे अमेजॉन में डिस्काउंट में मिल गया था अभी तो अमेजॉन में बिग ब्यूटी सेल चल रहा है स्टार्टेड फ्रॉम ट्वेंटी टू नवम्बर तो बहुत से प्रोडक्ट्स आपको डिस्काउंटेड रेट में मिल जाएंगे नेक्स्ट अब मैं यहाँ पे यूज़ करूंगी अपना फेस मॉइस्चराइजर विच इज बाय पॉन्स पीपल विद ड्राई स्किन आप थिक मॉइस्चराइजर यूज़ करिएगा और अगर जिन लोगों का स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होता है आप इस टाइप का मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हैं एंड पीपल विथ सुपर ड्राई स्किन आप अपने मॉइस्चराइजर में थोड़ा सा फेस ऑयल एड कर सकते हो या सेपरेट भी सेपरेटली भी लगा सकते हो तो आप अपने स्किन टाइप के हिसाब से प्रोडक्ट्स यूज करिएगा आप जब मॉस्चराइजर लगाओगे मसाज इट रियली वेल ताकि जो ड्राइनेस स्किन में आ रहा है ना वो चला जाए और स्किन हाइड्रेटेड और मॉइस्चराइज फील करे आफ्टर दिस आई एम यूजिंग माई प्राइमर विच आई एम यूजिंग फ्रॉम अ मैक ब्यूटी इस पर भी ऑफर चल रहा है इसका ओरिजिनल प्राइस है सेवन फिफ्टी रुपीज़ बट अगर आप अमेजोन से खरीदोगे ये आपको सिक्स नाइन्टी नाइन रुपीज़ में मिल जाएगा दिस इज़ अ न्यू पर मैंने कहा इसके रिव्यूज काफी अच्छे थे मैंने कहा क्यों ना ट्राई करें येस गाइज इट इज़ रेली गुड बहुत अच्छा काम किया फेस पे। मैंने थोड़ा सा लिया है अपने फेस पे लगाया है एंड देन आई कीप इट फॉर सम वाइल ताकि अच्छे से सेटल डाउन हो जाए सारा प्रोडक्ट एक ही बार में मत लगाते रह जाइएगा नहीं तो पूरा फेस में जो आप प्रोडक्ट लगा रहे हो खिचड़ी बन जाएगा जब भी प्रोडक्ट बनाओ लगाओ अपने फेस में आप थोड़ा थोड़ा गैप देते रहिएगा वेट करते रहिएगा एंड देन द न्यू प्रोडक्ट नेक्स्ट अप गाइज मैंने यूज किया अपना फाउंडेशन विच इज बाय लॉरियल इस पे अभी अमेजॉन में 35% ऑफ चल रहा है ऑयली स्किन पीपल इफ ए लुकिंग फॉर अ गुड फाउंडेशन यू कैन ट्राई दिस मैंने क्या किया है अपना इंडलजियो का रोज गोल्ड ऑयल लिया है और अपने फाउंडेशन में जस्ट दो बूंद ऐड किया है गाइज टिप ऑफ द डे अपने फाउंडेशन में अगर मैटिफाई है या थिक है आप दो बूंद रोज गोल्ड ऑयल का मिला लीजिए और उसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए वार्म कर लीजिए ठंड में क्या होता है अक्सर जो फाउंडेशन या कंसीलर्स वगैरह हो जाते हैं वो थिक हो जाते हैं जम से जाते हैं तो आपको उसको पहले अच्छे से वार्म करना है अपने हाथ में एंड देन अप्लाई करना है अपने स्किन में ये हैक इज़ वेरी गुड फॉर पीपल जिनका ड्राई स्किन है उनके पास मैटिफाई फाउंडेशन है थिक फाउंडेशन है और वो यूज़ नहीं कर पा रहे विंटर में गाइज़ आप ऐसे ट्राई करो आप देखना आपका फाउंडेशन ब्यूटिफली ब्लेंड हो जाएगा वैसे तो हमें विंटर में हमेशा ड्यूई फाउंडेशन यूज़ करना चाहिए बट अगर आपके पास ड्यू फाउंडेशन नहीं है कभी कभी ना ड्यू फाउंडेशन भी जमने लगता है यू you नो know, तो हमें उसमें एक से दो बूंद ऑयल में लाना है और अपने फेस में लगा लेना है इससे क्या होगा आपका जो फाउंडेशन है स्किन में ड्राइनेस नहीं होगा वो नो फटापन नहीं आएगा क्रैकनेस नहीं आएगा और ब्यूटिफुली ब्लेंड हो जाएगा इंडलजियो का ये रोज़ गोल्ड ऑयल काफ़ी अच्छा है गाइज इसका प्राइस है अराउंड सिक्स हंड्रेड रुपीज़ और अभी अमेजॉन में ये आपको फाइव टेन रुपीज़ में मिल जाएगा तो अगर आप एक अच्छा ऑयल ढूंढ रहे यू कैन ट्राई द इंडलजियो रोज गोल्ड ऑयल आप देख सकते हैं मैंने आप मेटिफाई फाउंडेशन लगाया है लेकिन कितने अच्छे से ब्लेंड हो रहा है गिविंग मी दैट ग्लो ऑन माई स्किन मुझे यू you नो know, बिल्कुल ड्राई फील नहीं हो रहा था ये अगर स्किन आपका मॉइस्चराइज रहेगा हाइड्रेटेड रहेगा स्किन केयर अच्छा रहेगा ना गाइज तो फाउंडेशन जल्दी से ना ड्राइनेस प्रोवाइड नहीं करेगा आपके स्किन में नेक्स्ट मैंने यूज किया अपना लिप बाम विच आई फॉर गॉड तो मैंने सोचा फाउंडेशन तो लगा लिया चलो इसके बाद अपना लिप बाम लगा लेती हूँ विच इज बाय लैक में तो मैंने बस जो भी घर में अवेलेबल है आप वही लगा लो फाउंडेशन के बाद हम लोग यूज करेंगे अपना कंसीलर द वन विच आई एम यूजिंग इज बाय ब्लू हेवन ये आपको थ्री फोर्टी रुपीज़ में मिल जाएगा इसका एक्चुअल प्राइस फोर हंड्रेड रुपीज़ है आई एम इन द शेड वनीला हम मैंने बहुत ज्यादा कंसीलर नहीं लगाया जस्ट हल्का सा लगाया है अगर आप कोई वेडिंग फंक्शन अटेंड करें तो कंसीलर जरूर लगाएगा स्किप मत करिएगा कंसीलर लगाने के बाद मैंने ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको ब्लेंड कर लिया है गाइज जैसे मैंने आपको भी बताया है एमेजन में बिग ब्यूटी सेल चल रहा है तो अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट्स चाहिए ब्यूटी प्रोडक्ट्स चाहिए आप एक आप विजिट you know, करो और आप अपने लिए प्रोडक्ट खरीद सकते हो वैसे ये सारे प्रोडक्ट्स के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आप चेकआउट कर लीजिएगा और जो भी प्रोडक्ट आपको लगे आपको खरीदना है आप वहां से परचेज कर सकते हैं आफ्टर कंसीलर मैं यूज़ कर रही। अपना Maybelline का फिटमी लूज पाउडर ओके इस समय पे विंटर में मैं लूज पाउडर ज्यादा प्रेफर करती हूँ इट कैन बी वाइट और येलो क्योंकि मुझे लगता है कॉम्पैक्ट पाउडर सम मेरे स्किन को ना ड्राइनेस दे देता है अगर आपके स्किन को नहीं देता तो आप कॉम्पैक्ट पाउडर लगा सकते हो नहीं तो आप इस टाइप का लूज पाउडर यूज़ कर सकते हो नेक्स्ट आप मैंने यहाँ पे यूज़ किया अपना क्रीम ब्लश दिस इज बाय एन वाई बे गाइज ये प्रोडक्ट यूज करके तो मज़ा ही आ गया मैंने सोचा नहीं था सच में इतना अच्छा काम करेगा ये यू you नो know, आपको जस्ट थोड़ा सा लेना है डॉट डॉट करके अपने चीक्स में लगा लेना एंड ब्लैंड इसमें ना मुझे पाउडर प्रोडक्ट का भी जरूरत नहीं पड़ा वैसे विंटर्स में पाउडर प्रोडक्ट्स कम यूज़ करती हूँ इनस्टेड मैं क्रीम प्रोडक्ट्स ज़्यादा यूज़ करती हूँ या फिर टेंट ज़्यादा यूज़ करती हूँ एन वाई बे के ये जो चिक चिकटेंस है आर ब्यूटिफुल गाइज लगाते ही ब्लेंड हो गया और यू you नो know, आप चाहे तो कवरेज इसका बढ़ा सकते हो घटा भी सकते हो यू you नो know, जैसे आपको अच्छा लगे बट आई एम इन लव विद प्रोडक्ट तो येस आई विल हाईली रिकमेंड अगर आप एक क्रीम ब्लश या ऐसा टेन टाइप का ढूंढ रहे हो आप एन वाई बे का भी ट्राई कर सकते हो वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट ऑफ एन वाई बे आई थिंक नेक्स्ट फॉर आई मेकअप मैंने यूज किया मेकअप रेवोल्यूशन का आई शेडो पैलेट और मैं इसी में से सारे शेड्स यूज करूंगी बट यू नो आई शेडो लगाने से पहले मैंने सेम लिपटिट uh, लिया है चिकटिट लिया है और अपने यू नो आईलेट पर लगा लिया है और उसको फिंगर के हेल्प से ब्लेंड कर लिया है इससे क्या होगा अगर आपका जो पाउडर प्रोडक्ट्स उड़ जाते हैं ना अगर आप चिकटिट या लिपटिट लगा लोगे ना वो बहुत देर तक स्टे करता है आप ट्राई करके देखिएगा इसको लगाने के बाद मैंने पैलेट में से सिर्फ चार शेड्स यूज़ किए हैं पहले ऊपर वाला ये वाला शेड्स किया फिर इन दोनों को मिक्स किया एंड देन टू ग्लिटर शेड्स तो मैंने यहाँ डार्क वाला शेड लिया है और मैं इसको ब्लेंडिंग ब्रश के हेल्प से अपने लेट पे लगा रही हूँ अपने चिक टेंट के ऊपर लगाने के बाद उसको हल्का हल्का ब्लेंड कर रही हूँ मैं बहुत ओवर द टॉप मेकअप नहीं कर रही इस आई मेकअप आप अपने आई के हिसाब से करिएगा ये नहीं कि जो लोग कर रहे हैं बस हमें वही करना है जो आपके आँख को सूट करे आपको अच्छा लगे वही करना है ज़्यादा बोल्ड अगर आपके किस आइज को नहीं सूट करता है मत करो उतना बोल्ड ओके okay, उसके बाद जब आप एक कलर लगा के ब्लेंड कर लोगे मैंने ब्राउन शेड लिया है हल्का सा और उसको अपने क्रीज के पास हल्का हल्का करके मैं ब्लेंड कर रही हूँ एंड आई एम मेकिंग अ सी ऑन माय आउटर कॉर्नर्स मुझे हल्का बहुत कलर चाहिए था बहुत ज्यादा कलर यू you नो know, विंटर में बहुत ज्यादा आप मेकअप करोगे ना एक तो स्टे करने का भी दिक्कत रहता है दूसरा ड्राइनेस लगने लग जाता है इसलिए आप कम प्रोडक्ट यूज करो कम मेकअप करो लेकिन एट द सेम टाइम अच्छे भी दिखोगे उसके बाद मैंने सेम शेड को अपने लोअर लिड पे भी लगा दिया और मैंने दो शिमर शेड को मिक्स किया एक पिंकिश था एक वाइटिश था और जस्ट मिडर जो लिड है वहाँ पे जाके मैंने लगा लिया हल्का सा इस पैलेट का एक्चुअल प्राइस गाइस अराउंड ग्यारह सौ रुपया बट अमेज़ॉन में अभी आपको एट में मिल जाएगा तो आप ले लीजिएगा उसके बाद मैंने यूज़ किया अपना ब्लू हेवन का पेन आई मतलब इसमें एक साइड आई लाइनर है एक साइड काजल है और मैंने अपने इसको यू नो जस्ट वेरी क्लोज टू माई लैशेज लगा लिया आई एम नॉट मेकिंग एनी काइंड ऑफ विंग जस्ट सिंपल सोबर बोलते हैं ना जो वो मेकअप मैंने आज किया है फॉर बिगनर्स फॉर टीन एजर्स एक्चुअली कोई भी कर सकता है उसके बाद मैंने लैशेस को कर्ल किया है और मैं यूज़ कर रही हूँ अपना मस्कारा विच इज़ बाय मार्स कॉस्मेटिक्स वन ऑफ अगैन माय बेस्ट फेवरेट्स इन अफोर्डेबल रेंज इस मस्कारा पे भी अभी फ़ाइव परसेंट ऑफ चल रहा है तो अगर आपका मस्कारा खत्म हो गया या यू वॉन्ट टू ट्राई समथिंग रियली न्यू आप ट्राई कर सकते हो या आपको वन एटी के लगभग में मिल जाएगा इसको यूज़ करने के बाद मेरा फेक लैशेज लगाने का बिल्कुल मन नहीं था क्योंकि मेरा आइज़ मुझे ऐसे ही अच्छा लग रहा था उसके बाद मैंने अपने आईब्रॉज़ को फिल कर लिया है जस्ट गैप्स uh, को फिल किया मैंने बहुत हेवी या ब्लैक या बहुत ब्राउन नहीं किया अपने... आईब्रॉज को जस्ट गैप को फिल करके ग्रूम कर लिया है मैंने आप कलर्स अपने मेरा ना थोड़ा गोल्डन टाइप नॉट एक्सैक्टली गोल्डन व्हाइटेस्ट गोल्डन में सूट था कलर पिक किया है यूज किया अपनाट जिसपे फिफ्टी फोर परसेंट ऑफ चल रहेगा इसका एक्चुअल प्राइस सेवन हंड्रेड रुपीज है और एमेजोन में अब आपको ये थ्री ट्वेंटी थ्री रुपीज में मिल जाएगा गेट योर हैंड ऑन दिस बिकॉज दिस इज अफुल पैलेट इसके दो शेड है तो आप अपने जो आपको अच्छा लगे आप उस हिसाब से ले सकते हो बहुत अच्छा डील चल रहेगा इसमे on me आप ना एक बार विजिट करो वेबसाइट में एंड जस्ट इंजॉय द सेल हाईलाइटर आप बहुत ज्यादा हैवी मत लगाएगा जितना रिक्वायर्ड है उतना ही टचअप दीजिएगा ताकि वो यू नो जस्ट हल्का सा हाईलाइट सा दिखे बहुत चंकी चंकी हाईलाइट ना दिखे उसके बाद मैंने अपने मेकअप को सेट किया है विद ब्लू हेवन प्रेप एंड फिक्स सेटिंग मिस्ट आप जो भी आपके पास अवेलेबल है आप यूज कर सकते हो ये टू नाइनटी में अभी, अभी अवेलेबल है ऑन एमेजोन तो आप देख लेना सेटिंग पे जब आप लगाओगे लेट इट ड्राई मतलब आप उसको ना ज्यादा टच मत कीजिए ब्लेंडर वगैरह से उसके बाद मैंने अपना लिपस्टिक यूज किया विच इज बाई लव अर्थ और मैंने दो कलर मिक्स करके अलग कलर क्रिएट किया है मैंने मैं दोनों शेड्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा आप चेकआउट कर लीजिएगा क्योंकि अभी ग्लॉसी लिप्स काफी इन है और मुझे काफी अच्छा लगता है ग्लॉस लगाना तो मैंने अपने मैट लिपस्टिक के ऊपर भी ग्लॉस लगा लिया है ज़रूरी नहीं है कि ग्लॉस मतलब लिपस्टिक ग्लॉस होना चाहिए आप अलग से ग्लॉस भी मैट लिपस्टिक के ऊपर लगा सकते हो दैट वॉज ऑल फॉर द मेकअप गाइज उसके बाद मैंने अपने हेयर को बना लिया अभी तो विंटर है हेयर खुला ही रखो ज़्यादा टाइप करने का ज़रूरत नहीं है अपने एसेसरीज पहन लो मैंने अपना झुमका पहन लिया है माई बैंगल्स आप जैसे अपने आप को एक्सेसराइज करना चाहते हो कर सकते हो क्योंकि इस समय भारी भी पहनों तो मजा आता है ठंड में भारी भारी पहनो में बड़ा मजा आता है फिर मैंने अपना बिंदी लगा लिया एंड दैट वाज माय फुल मेकअप लुक गाइस एक बार इस मेकअप लुक को जरूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपने ट्राई किया मुझे इंस्टा में टैग करना बिल्कुल मत भूलिएगा ऑल्सो गाइज अगर आपके लुक अच्छा लगा लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा ऑल्सो सारा डिटेल मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी अमेजॉन में जैसे मैंने आपको बताया बिग ब्यूटी सेल चल रहा है आप वेबसाइट विजिट करो एंड एंजॉय द सेल थैंक यू सो मच बाय